बिहार के छपरा में जहरीली शराब का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। भले ही साल बदल गया हो, अधिकारी चेंज हो गए हो, लेकिन आलम वही का वही है। ताजा मामला तरैया के शाहनवाजपुर का है, जहां एक 26 वर्षीय युवक की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई और चार अन्य लोगों का इलाज चल रहा है। अब सवाल यह उठता है कि इतनी मौतों के बाद पुलिस प्रशासन शराब माफियों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? क्षेत्र में धड़ल्ले से शराब की बिक्री हो रही है और पुलिस प्रशासन चुप्पी साधे हुए है। एक पेशेंट आया है सुनील कुमार के घर से, ये तरैया से रेफर होके आया था, तकरीबन 6:30 बजे के आसपास आया है और आने के बाद उनकी लगता है कुछ वो खा पी के आए थे और उसके बाद से उनकी हालत गंभीर थी, तो यहाँ आने के बाद उनका सारा इलाज किया गया है और उनकी स्थिति अभी भी गंभीर ही बताई जा रही है। उनको हमने यहाँ से रेफर कर दिया है और अभी हमारा इलाज चल रहा है। उनके यहाँ प्रॉब्लम क्या डॉक्टर साहब? उनको वो आए थे तो उनको घबराहट हो रही थी और वो बेहोशी के आलम में थे। वहीं जाके मैंने दारू पीलन बोलिए थी मैं मैंने भोगल भाई से। कितने लोग पिए थे दारू इनके साथ? ये सर मैंने कब मैंने कोनो थी नहीं थे। कब कब पिए थे? सुबह में शाम में? शाम में। क्या बोले शिकायत? क्या शिकायत में हमारे आँख से बोलो माने दिखाई नहीं के दे। कब से? माने रुआ 10 बजे के बाद से। उनका कहना था कि उनको दिखाई कम दे रहा है ना, तो उनको हम लोग एग्जामिन किए, देखो के जांच करके उनका ऑक्सीजन सेचुरेशन 70 के आसपास था, पल्स काफी कम हो गया था, तो फ्लूइड वगैरह लगा के हम लोग छपरा रेफर कर। तरैया में फिर एक बार जहरीली शराब का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला शाहनवाजपुर का है, जहां पे एक सुनील कुमार की जहरीली शराब सेवन करने से रात्रि में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। इससे पहले भी उसका रेफरल अस्पताल तरैया में भी इलाज चला है और उसके साथ बताया जा रहा है कि चार लोग और हैं जिनकी इलाज चल रही है। हालांकि हम इस विषय में सीधे हम बात करने की कोशिश करेंगे, यहाँ के जो चिकित्सा पदाधिकारी है उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या उनको मालूम चला और क्या सिम्टम पाई गई है। सीधे बात करने की सर से कोशिश करेंगे कि हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर साहब हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या सिम्टम पाई गई और क्या उनको जानकारी मिली। सर, आपके पास जो कल मरीज आया था उसमें क्या जानकारी मिली, क्या सिम्टम पाया गया? उनको देखने में थोड़ा सा कमी था, विजन कम था है ना, और पल्स 70 था, पल्स उनका था 28, ऑक्सीजन सेचुरेशन 70 था। उसके बाद क्या सिम्टम क्या फर्स्ट लक्षण क्या देखने में लगा? लक्षण हम लोग को कुछ ऐसा कमजोरी लग रहा था थोड़ा सा। अल्कोहल की बात आ रही है सर, वो लोग उनकी फैमिली भी स्वीकार करें कि संदिग्ध तो हम मान ही रहे हैं, कंफर्म पोस्टमार्टम होगा, वहां से विसरज जाएगा उसके बाद ना। साफ तौर पर देखेंगे कि ये उनके साथ चार लोग और भी हैं जिनकी इलाज चल रहा है। हालांकि उनके परिजन भी अविस्वीकार कर लिए हैं कि उनकी अपनों की जान जहरीली शराब पीने से हुई है। कैमरा पर्सन पवन के साथ चंदन कुमार चंचल, TNP न्यूज छपरा। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे TNP न्यूज। दीजिए इजाजत, नमस्कार।